हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से बैंकर्स बाबू के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करते आज हम SBA जूनियर एसोसिएट, SBA क्लर्क प्रीलिम्स के रिजल्ट और मेंस के एग्जाम डेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि SBA क्लर्क ने इस बार दो बार एग्ज़ाम करवाए थे। पहले तो सबके एग्ज़ाम करवा दिए और बाकी कुछ 5 सेंटरों के जो एग्ज़ाम बाकी थे उसकी अभी हाल ही में जुलाई अभी अभी करवाए हैं अगस्त में। तो दोस्तों, बात करते हैं SBA क्लर्क के प्रीलिम्स के रिजल्ट के बारे में। जैसा कि कई चैनलों पर बताया जा रहा है कि 5 सितंबर तक रिजल्ट आ जाना चाहिए था, लेकिन 5 सितंबर तक नहीं आया। आज 16 सितंबर हो गए, लेकिन आज तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया SBA क्लर्क प्रीलिम्स ने। इससे रिगार्डिंग हम एक अलग टॉपिक पर बात करते हैं, IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट। जैसा कि RRB ऑफिस असिस्टेंट के कैलेंडर में दे रखा था मेंस का एग्ज़ाम 3 अक्टूबर को, जो पोस्टपोन कर दिया गया है। और अब जो एग्ज़ाम होने जा रहा है RRB ऑफिस असिस्टेंट का, वो है 17 अक्टूबर। तो हम ये मानकर चल सकते हैं कि जो 3 अक्टूबर को आपके RRB ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम होने वाला था, वो शायद अब SBA क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम हो सकता है। तो अभी इसके रिगार्डिंग कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी हम मानकर चल सकते हैं कि अगर 3 अक्टूबर को SBA क्लर्क मेंस का अगर एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो उससे लगभग 10 से 15-12 दिन पहले SBA क्लर्क अपना प्रीलिम्स का रिजल्ट डिक्लेयर करेगा। यानी कि हम मानकर चल सकते हैं कि 20 सितंबर तक SBA क्लर्क अपने मेंस के एडमिट कार्ड भी डिक्लेयर कर देगा। और SBA क्लर्क हमेशा मेंस के एडमिट कार्ड और क्लर्क प्रीलिम्स के जो रिजल्ट होता है वो साथ ही डिक्लेयर करता है। तो मान के चले कि अब 3 अक्टूबर तक, शायद 3 अक्टूबर तक इसका एग्ज़ाम मेंस का है वो हो जाएगा, और उसके 1-1.5 महीने बाद मान के चल सकते हैं कि मेंस का भी रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा SBA। जैसा कि पिछले बार हमने देखा था कि लगभग 45 दिन बाद, मेंस के एग्ज़ाम के 45 दिन बाद ही रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था। तो इस बार हम अगर माने तो 3 अक्टूबर से लगभग 45 दिन बाद, नवंबर लास्ट वीक तक आपके इसके रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं RRB PO के मेंस के एग्ज़ाम के रिलेटेड। तो 25 सितंबर को RRB मेंस का एग्ज़ाम है, उसके लिए आप सभी एस्पिरेंट को ऑल द बेस्ट और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।